हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीदा। तो आज हम लोग बेसिक साइंस को आगे बढ़ाते हुए फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज चलेगा बेसिक साइंस में #Basic06। इससे मैंने 5 टॉपिक कवर कर रखे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब। तो आज जो बेसिक साइंस में Basic06, ओके, उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा Basic07, उसके बाद मैथमेटिकल टूल्स में चलेंगे हम लोग, फिजिक्स के लिए, साइंस के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट से रिलेटेड मैंने बात लिख रखे है, पूरा थ्योरी है, ये समझना है, रटना नहीं है। मैं इसको पहले समझाता हूँ, फिर आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं हट जाऊँगा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। पहले समझिए, बेसिक है, पूरा फिजिक्स का बेसिक है, पूरे केमिस्ट्री का बेसिक है। जैसे मान लो, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। आप जानते हो डिस्टेंस का यूनिट या लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर का सिंबल एम होता है, पता है आपको। तो मैं बोलूँ कि चलो 10 मीटर लिख के दिखाओ, तो आप लिख दो, कोई बच्चा लिख देगा 10 मीटर सर ऐसे लिख देगा, कोई बच्चा लिख देगा सर 10 मीटर ऐसे लिख देगा, कोई बच्चा लिख देगा 10 मीटर ऐसे। तो बताओ कौन सही है। तो पहली बात तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये सही है। क्यों सर, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है? क्योंकि तरीका है, सबका रूल है। तो SI यूनिट लिखने के कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। क्या है क्या, तो मैंने यहाँ रॉन्ग क्यों है, क्योंकि 10 और मीटर के बीच मैंने सिंबल स्पेस नहीं दिया। स्पेस देना जरूरी होता है, 10 और मीटर में एक स्पेस होना चाहिए, कम से कम एक स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे एक स्पेस का जगह होना चाहिए। जैसे 10 मीटर लिखा है तो एक स्पेस छोड़ देना पड़ेगा ऐसे करके, ओके, तब ये सही है लिखने का तरीका। ओके, राइटिंग में तो चल जाता है लेकिन गलत हो जाता है, रूल के हिसाब से गलत हो जाता है। तो 10 मीटर रॉन्ग है, 10 मीटर ही सही है। ये वाला रॉन्ग क्यों है सर, क्योंकि सिंबल के साथ लैंग्वेज वर्ड यूनिट से करते हैं, वर्ड और सिंबल मिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे 10 मीटर ये रॉन्ग है, अगर पूरा लिखना है तो 10 मीटर लिखना, ऐसे लिखो, पूरा पूरा लिखो 10 मीटर। पूरा वर्ड लिखना है तो वर्ड ही में लिखो, सिंबल और वर्ड मिक्स नहीं कर सकते हैं, या पूरा सिंबल लिखना है तो पूरा सिंबल लिखो, ठीक है। नंबर, सिंबल, वर्ड सब मिक्स नहीं करना है। तो इसी के लेकर के कुछ रूल्स हैं, उस रूल को फॉलो करो। उसके अलावा देखो, मैंने लिखा हुआ पहला रूल देखो, मैंने टोटल 9 रूल लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल सब है, सब छोटे छोटे माइनर रूल हैं, लेकिन बच्चों लोगों को नहीं आता है, और नहीं आने की वजह से साइंस में उसको प्रॉब्लम होती है, या पूछा जाए तो बहुत माइनर है मिस्टेक हो जाता है बच्चों, बहुत माइनर मिस्टेक। या इवन बच्चों को तो छोड़ो, बड़े 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 लोगों को भी मैंने देखा कि प्रॉब्लम होता है इसमें। तो मैंने इसको बहुत सारे डिटेल से स्टडी करके आप लोगों के लिए मैंने एक जगह कर दिया, पूरे बुक में आपको एक जगह नहीं मिलेगा ऐसे करके। वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर एंड सिंबल ऑफ यूनिट, यानी 10 मीटर लिखा हो रहा है, 10 मीटर के बीच में एक गैप दिया गया है, एक स्पेस का जगह दिया गया है, ओके। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट लिखा हुआ है, बट मैंने स्पेस नहीं दिया, ये इनकरेक्ट है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया, लैंग्वेज इज नॉट वेरी मच मैटर, ओके। तो ये मतलब समझाना चाहिए कि हम लोग जब भी SI यूनिट लिखेंगे तो सिंबल, नंबर और सिंबल के बीच में एक स्पेस देना अनिवार्य है, कंपलसरी है, जरूरी है, बट यहाँ पर तो मैंने नहीं दिया, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। उसके बाद ओनली सिंगुलर फॉर्म इज यूज्ड, कभी ऐसे नहीं लिखेंगे 10 मीटर्स, ऐसे नहीं लिखेंगे 10 मीटर्स, मीटर्स ऐसे नहीं लिख देंगे, या 10 मीटर्स को हम लोग MS लिख देते हैं, ये नहीं लिखना है, रॉन्ग है। प्लुरल वर्ड यूज नहीं कर रहा, ये इंग्लिश नहीं है, ये साइंस है, साइंस का, साइंस को सिंपल बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका 10 मीटर्स ना बोल करके 10 मीटर ही बोलेंगे, 10 मीटर, यानी सर 1 मीटर होता था 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर सर, एक से ज्यादा मीटर है, 10 मीटर है, तो 10 मीटर्स बोलो, 10 मीटर्स बोलो, नहीं रॉन्ग, गलत तरीका है। हाँ, लैंग्वेज बोलने में चल जाता है, लैंग्वेज सेंटेंस बड़ा बना रहे हो, लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो आप 10 मीटर्स लिख दो, 10 किलोग्राम्स लिख दो, चलेगा, बट साइंस में ये रूल गलत है, ओके, ये मैं बता रहा हूँ। तो ओनली सिंगुलर फॉर्म इज यूज, ओके। तो लिखा हुआ यहाँ पे 10 kg, करेक्ट, स्पेस मैंने दिया, स्पेस का भी ख्याल रखना, पहला नियम का इस्तेमाल करना, और 10 किलोग्राम्स, 10 kgs, इनकरेक्ट, kgs नहीं लिखना है, प्लुरल वर्ड यूज नहीं करना है, प्लुरल फॉर्म। ये 2 सिंपल रूल है। फुल स्टॉप इज नॉट यूज आइदर एट द एंड और इन बिटवीन द सिंबल ऑफ द यूनिट, सिंपल सा बात है, फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 10 kg, तो मैंने एक स्पेस दे दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा, या यहाँ फुल स्टॉप दे दिया, यहाँ दे दिया, तब भी रॉन्ग हो जाएगा, बट विदाउट फुल स्टॉप लिखना है। हाँ, अनटिल ये जो सेंटेंस अगर लिख रहा है, मान लो कोई लैंग्वेज लिटरेचर लिख रहा है, उसमें लास्ट में 10 kg लिख रहा हो, वो 10 kg फुल स्टॉप पे जाके खत्म होता है, सेंटेंस वहाँ पे खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे तुमको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो भी इंग्लिश की वजह से, लिटरेचर की वजह से। बट फिजिक्स या साइंस में तुमको फुल स्टॉप यूज नहीं करना है, यूनिट के साइड में, बीच में या साइड में, कहीं पर भी, ओके, लिखा भी हुआ है कि फुल स्टॉप इज नॉट यूज, ओके, आइदर एट द एंड और इन बिटवीन द सिंबल ऑफ द यूनिट, कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना। ये एग्जाम्पल 3 है, ये थोड़ा मिट गया, इसलिए मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, चलो, ओके, चलो। तो मैंने क्या बोला, तो यही लिखा हुआ, देखो 10 मीटर फुल स्टॉप मैंने दे दिया, इनकरेक्ट, 10 मीटर फुल स्टॉप नहीं दिया, करेक्ट, ओके, याद ना बात को। तीसरा,
10 मीटर सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी बोलते हैं, सीसी। तो ये तो करेक्ट है, सीसी लिखा करेक्ट है, बट सी डॉट सी लिख दिया। कोई बच्चा बोला सीसी को सर सी डॉट सी लिख दो, नहीं रॉन्ग। सीसी मतलब क्या होता है सर? सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोलते हैं, सी सी। सीसी मतलब होता है फुल शब्द नहीं देना, फुल शब्द रॉन्ग हो जाएगा, सी सी एक शब्द विदाउट स्पेस के, सी सी। सीसी को पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो सीसी लिखा जाता है, ऑलवेज रिमेंबर। ये रॉन्ग लिखा हो, सीसी लिखा इनकरेक्ट, फुल स्टॉप यूज नहीं करना है, फुल स्टॉप यूज ही नहीं करना है। एएमयू जैसे एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो इसमें फुल स्टॉप यूज नहीं करना है, क्योंकि ये यूनिट है, आपको पता है कि एटम का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, ओके। इसको ऐसे लिखना है एएमयू, स्पेस लिख दिया मैंने, एक स्पेस दिया नंबर और इसके बीच में मैंने एक स्पेस दिया है, ओके। तो स्पेस देना कंपलसरी है, मैं ब्लैक ही यूज कर देता हूँ लोगों के लिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये करेक्ट है, क्योंकि मैंने फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं किया। वन केजी डॉट लगा दिया इनकरेक्ट, बने डॉट नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, करेक्ट। कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगाना। हाँ, अगर सेंटेंस आप लिख रहा हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सेप्शन मैंने स्टार लगा के लिखा कि सलमान, मैंने लिखा कि मास सलमान खान का मास 85 kg है, 85 kg है, तो ये यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना करेक्ट है, सही है, क्योंकि मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, इंग्लिश लिख रहा हूँ, तो इंग्लिश के हिसाब से वहाँ फुल स्टॉप लगाना है। वो सेंटेंस चूंकि खत्म हो रहा है, तो सेंटेंस के खत्म होने की वजह से फुल स्टॉप आ रहा है, वो यूनिट का फुल स्टॉप नहीं है, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो फोर नंबर देख लो, वर्ड नंबर एंड सिंबल इज नॉट यूज, ओके। वर्ड नंबर एंड सिंबल इज नॉट यूज, मैंने नंबर और वर्ड और सिंबल को मिक्स नहीं करना है। जैसे मैंने लिखा 10 meters per second, तो यहाँ भी वर्ड में लिखा, ये भी वर्ड में लिखा, ये भी वर्ड में लिखा, ये जैसे 10 meters per second है, तो 10 meters per second, तो ये भी सिंबल नंबर है, ये सिंबल है, सिंबल है, चलेगा। बट ये इसको नंबर में लिख दे, इसको सिंबल में, रॉन्ग हो जाएगा। या इसको अगर वर्ड में लिख रहे हैं, वर्ड में, तो इसको भी वर्ड में, इसको भी वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा देखो 10 meters per second, सब वर्ड में करेक्ट है, बट मैंने लिख दिया 10 meters per second, ये भी चलेगा, क्योंकि ये सिंबल है और नंबर है, करेक्ट है। बट 10 meters per second यानी वर्ड में लिख दिया, फिर नंबर सिंबल लिख दिया, रॉन्ग। नंबर सिंबल मिक्स नहीं करना, पूरा को वर्ड में लिखो या पूरा को सिंबल में लिखो, ये इनकरेक्ट। जैसे मैंने लिखा 10 meters per second, यहाँ वर्ड में लिख दिया, यहाँ सिंबल में लिख दिया, मिक्स हो गया, इनकरेक्ट। 10 वर्ड में, बट ये सिंबल में, ये वर्ड में, फिर इनकरेक्ट। मैंने कि कंप्लीट या तो वर्ड में लिखना या तो सिंबल में इस्तेमाल करना, मिक्स नहीं करना सबको। छोटी छोटी बातें हैं, इफ बहुत सारी बातें आप लोग इसमें से नहीं जान रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, गारंटी मैं बोल रहा हूँ। अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा, जैसे मैंने ये सब बताया ना, स्पेस देने वाला बात, सब ये सब पहली बार सुन रहे हो, इसलिए कमेंट करके बताना कि सब कितने चीज सीखने को मिली तुम लोगों को, ठीक है। चलो, इफ द नेम ऑफ एनी यूनिट, किसी भी यूनिट का अगर नेम अगर साइंटिस्ट के नेम से स्टार्ट होता है, साइंटिस्ट का नाम, जैसे कि कैल्विन हो गया, न्यूटन हो गया, फोर्स कैसा है, न्यूटन होता है, न्यूटन साइंटिस्ट थे, कैल्विन साइंटिस्ट थे, जैसे एम्पियर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, थे एम्पियर भी साइंटिस्ट थे। तो एम्पियर अगर साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट होता है, तो उसका पूरा नाम अगर लिखते हैं, पूरा नाम लिखते हैं, तो स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। अगर ये सिंबल लिखते हैं, तो उसका कैपिटल लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ओके। जैसे मान लो न्यूटन होता है, न्यूटन, तो न्यूटन का सिंबल तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, सिंबल ही है, बट पूरा नाम लिखेंगे अगर, तो स्मॉल से लिखना पड़ेगा। कहो सर ये कैसा रूल है, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करना है, सर नहीं, ये सिंपल बनाया गया, साइंस ही है, इंग्लिश नहीं है, लिटरेचर ही है। तो ये न्यूटन जो है, ये तुम्हारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट कैपिटल लेटर से अगर लिख दोगे पूरा नाम, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ समझाया, अगर साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट होता है, देखो ये जैसे मैंने लिखा, देखो साइंटिस्ट नेम, देन फुल नेम ऑफ यूनिट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल लेटर, मैंने कि पूरा नाम अगर लिखना है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, और बट देयर सिंबल इज कैपिटल लेटर्स, मैंने उसका सिंबल जो है कैपिटल लेटर्स लिखा जाएगा। तो 10 newton रॉन्ग, क्योंकि 10 लिखा हुआ है, न्यूटन दो, पहली बात तो यह न्यूटन कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल कर दिया, मैंने पूरा नाम लिखा ना, तो पूरा नाम लिखने में क्या करना पड़ेगा, स्मॉल लेटर लिखना पड़ेगा, ओके। जैसे मैं लिख दूँ 5 joule, तो 5 joule लिखूंगा, 5 joule मैंने लिखा, 5 joule, तो JULE 5 joule लिखूंगा, ओके। पूरा कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करूंगा, स्मॉल लेटर से, सॉरी, तो स्मॉल लेटर लिखा, लेकिन मैं इसको लिख दूँ 5 joule, ये रॉन्ग हो जाएगा। मैं लिख दूँ 5 joule, JULE joule, ये करेक्ट है, ओके। हाँ, अगर 5 मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये करेक्ट समझ में आ गया। जैसे मैं लिख दूँ 5 joule, ये क्या, ये करेक्ट है, सही बताओ, रॉन्ग, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना, वर्ड और सिंबल को मिक्स नहीं करना, ये रूल वाला, ये वाला, वर्ड और सिंबल को, तो पूरा या तो सिंबल में लिखो या वर्ड में लिखो, तो 5 पूरा वर्ड में लिख दो, तो सही है। चलो, तो वो प्रॉब्लम सही है, 5 joule करेक्ट है, ओके। तो यहाँ दो दो प्रॉब्लम है, ये वाला एग्जांपल में जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे, 10 newton में दो दो प्रॉब्लम है, एक तो वर्ड और मैंने नंबर को, सिंबल को, नंबर और वर्ड को मिक्स कर दिया, वो इनकरेक्ट है, ऊपर से मैंने कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल कर दिया, पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर्स लिखना। हाँ, 10 newton ये करेक्ट है, ये मैंने कर दिया, 10 newton में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये गलत हो गया, हाँ, यस, 10 newton
टेन न्यूटन करेक्ट है, दोनों वर्ड में है, टेन न्यूटन करेक्ट है। आइए आप पढ़ा लिखना, नंबर लिखना तो उसका सिंबल लिखेगा, सिंबल कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो टेन न्यूटन। जूल का लिखा जाता है कैपिटल जे, ओके कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना। कोई भी साइंटिस्ट का नाम हो ना तो उसका सिंबल लिखेंगे, हम लोग सिंबल यूज करते हैं तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किताब में बुक में आपको पूरा नाम लिखा हुआ मिलेगा, तो पूरा नाम लिखा हुआ देखोगे तो जो कैपिटल लेटर नहीं लिखा होगा, स्मॉल लेटर से लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने न्यूटन लिखा। देखो यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, बहुत सारे यूनिट इस्तेमाल हम लोग करते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट, तो ये सब इस्तेमाल होता है। लेकिन केल्विन, केल्विन एसआई यूनिट होता है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट दी केल्विन। केल्विन पे डिग्री कभी नहीं लगाना, ये बात को याद रखना, कभी भी नहीं, ओके। तो डिग्री पढ़ते हैं उसको, तो मैंने लिखा डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, ओके। तो 310 केल्विन करेक्ट है, केल्विन पे डिग्री नहीं लगाना, लेकिन केल्विन पे डिग्री लगा दिया यहाँ पे इनकरेक्ट, ये करेक्ट करेक्ट, केल्विन पे डिग्री नहीं लगाना कभी, ओके। डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फारेनहाइट होता है, फारेनहाइट में डिग्री लगा सकते हो, डिग्री सेल्सियस में तुम फारेनहाइट डिग्री लगा सकते हो, लेकिन केल्विन में डिग्री कभी नहीं लगता, ये बात है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सातवां नियम देख लो, सातवां नियम, मोर देन वन सॉलिड्स इज नॉट यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो मोर देन वन सॉलिड, जैसे मैंने लिखो कहीं पर लिखा हुआ है कि मैंने लिखा मीटर पर, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखा था, भाई किताब में लिखा हुआ है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखा हुआ है, ओके मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड ये नहीं लिख सकते हो, ये जो स्लैश देख रहे हो स्लैश, इसको सॉलिड बोलते हैं, तो ऐसे नहीं लिखा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, नहीं रॉन्ग हो जाएगा, इसको ये लिखने का तरीका ही गलत है, मैंने कि ये जो सॉलिड का साइन है ना, यूनिट कभी भी लिखेंगे ना, ये ड्राइव क्वालिटी की यूनिट है, तो ये कभी भी यूनिट लिखेंगे ना, तो यूनिट को कभी भी दो सॉलिड के साथ सेपरेट नहीं करेंगे, दो सॉलिड यूज नहीं करेंगे, सॉलिड मतलब स्लैश, ये स्लैश जो है दो बार यूज नहीं करेंगे, याद ना बात को, इस छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज नहीं करना, ओके। जैसे मान लो मैंने लिखा ना, जैसे कि मीटर पर सेकेंड लिखते हैं ना हम लोग, मीटर पर सेकेंड स्पीड का साइन होता है, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, स्लैश मतलब डिवाइड ही तो होता है, यही तो लिखा होता है, सब चीज़ सही है, बट कहीं कभी एक ही यूनिट में, मैंने एक ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में तीन चार सिंबल यूज होता है, जैसे मैंने बोला ना भाई, जैसे किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ऐसा हो सकता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, तो ये डबल स्लैश इस्तेमाल नहीं करना, डबल सॉलिड इस्तेमाल नहीं करना, मोर देन वन सॉलिड इज नॉट यूज्ड, एक से ज्यादा सॉलिड इस्तेमाल नहीं करना, सॉलिड मतलब स्लैश, ओके ये इस्तेमाल नहीं करना, इनकरेक्ट है, बट हाँ इसी को लिखना है, अगर मीटर पर मीटर सेकंड है तो उसको बट्टे में लिख देना, मीटर ऐसे किलोग्राम, किलोग्राम और मीटर सेकंड, पढ़ेंगे मीटर सेकंड, डैश से भी अलग कर सकते हो, मीटर सेकंड मैंने इसको तो ऊपर ले जाओगे तो नीचे वाला ऊपर जाता माइनस, ये भी लिखना का तरीका सही है, मीटर को पढ़े जाओ पर मीटर पर सेकंड, ये सही है, तो पर मीटर पर सेकंड नहीं पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे किलोग्राम पर मीटर सेकंड, पर मीटर सेकंड, पर मीटर सेकंड, क्योंकि मीटर सेकंड का तो पावर हो ही गया ना, इसलिए तो डबल सॉलिड का सॉलिड का इस्तेमाल नहीं करना, तो वही लिखा हुआ, ये रॉन्ग है बट ये सही है, ये भी सही है, इसी बात को ऐसे लिख देंगे पावर में, ये तरीका भी सही है, ज्यादा इस्तेमाल होता है। डबल एसआई प्रीफिक्सेस इज नॉट यूज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, डबल जैसे मान लो लिखा हुआ कहीं पर मिलेगा वन माइक्रो मीटर, तो वन माइक्रो माइक्रोमीटर, डबल माइक्रो, देखो माइक्रो माइक्रोमीटर लिखा हुआ, माइक्रो माइक्रोमीटर, डबल नहीं एसआई प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करना, हमेशा सिंगल एसआई प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करना, सिंगल एसआई प्रीफिक्सेस, तो ये सिंगल एसआई प्रीफिक्सेस इस्तेमाल रॉन्ग है, दुट हो गया इस्तेमाल, रॉन्ग है, बट इसको इस्तेमाल करो, माइक्रो माइक्रो मतलब क्या होता है, माइनस सिक्स, माइक्रो मतलब माइनस सिक्स, तो मीटर 10 का पावर माइनस 12 हो जाएगा, तो इसके बदले में पीको लिख दो, पीकोमीटर, इसको लिख दो पीकोमीटर, ओके माइनस 12, इसको लिख दो पीकोमीटर, एक पिकोमीटर के बराबर, तो सिंगल एसआई प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डबल एसआई प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि 10 का पावर माइनस 12 लिखा हुआ है तो कोई बच्चा बोलेगा सर कितना बचा, क्या बोलेगा, सुनो पहले समझाता हूँ, अरे 10 का पावर 12 लिखा हुआ है इस करके, कोई बच्चा बोलेगा सर ये 10 टू द पावर माइनस 12 है ना, माइनस 12 मीटर, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस 6 और 10 का माइनस 6, इसको बोल देगा सर माइक्रो है, इसको बोल देगा माइक्रो है, माइक्रोमीटर, तो बोलेगा सर वन माइक्रो माइक्रोमीटर, रॉन्ग है, ये तरीका सही नहीं है, माइनस 12 को पीको बोलते हैं, पीको लिख दो सही है, पीकोमीटर, ये सही है, डबल प्रीफिक्स एसआई प्रीफिक्स से इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ओके चलो मैं इसको मिट रहा हूँ, तो 7 बात हो गया, 8 बात हो गया, ये डबल एसआई प्रीफिक्स नॉट यूज, वन माइक्रोमीटर इनकरेक्ट है, मैंने लिख दिया 10 माइक्रो मतलब 10 का पावर 6 माइनस 6, 10 का पावर माइनस 12, 10 का पावर माइनस 12 को पीको बोलते हैं, तो ये करेक्ट है, पीकोमीटर, ओके, तो एक सिंगल एसआई प्रीफिक्स यूज करना है, एसआई प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, इससे पहले वाले जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होते एसआई प्रीफिक्स, मतलब कंटिन्यू में देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। अब सीसी, अब एक चीज समझो, इंटरेस्टिंग बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट लिख लेना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये सेंटीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को क्या लगता है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, 1 सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2, अब मीटर स्क्वायर अलग, जो कि रॉन्ग है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसका मतलब होल स्क्वायर है,
इसका मतलब ये होता है कि सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब हुआ कि सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, ये करेक्ट है, ये सही है। यानी कि अगर आप यहाँ पर सेंटी की जगह रखते हो माइनस टू, तो उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो माइनस फोर हो जाएगा, ये करेक्ट है। गलती मत करना, कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सी पे भी स्क्वायर है, अंडरस्टूड है वो, सी पे भी स्क्वायर है। बच्चे गलती करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि कहीं पर भी सेंटीमीटर क्यों लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यों, इसका मतलब हुआ कि ये सेंटीमीटर का होल क्यों लिखा हुआ है, ये चीज है और ये चीज सेम है। कहो सर इसका मतलब क्या हुआ सर, सर सी पे भी तक क्यों होना चाहिए, नहीं तरीका नहीं लिखने का। जैसे मान लो तुम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है, दुबा लिखा हुआ है, यही तो होल स्क्वायर है, इसी को इस तरह का लिखने का तरीका है। ओके, तो ये चीज समझ में आना चाहिए। ओके, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज है। तो कभी भी तुमको बदलने के लिए बोला जाता है, देखो ना मैंने लिखा 1 cc इक्वल टू 1 cm³, सीसी को ही सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, और सी का मतलब होता है 10^-2। ओके, सी मतलब डेसी सेंटी मिली है ना, तो -2 m³, ये इनकरेक्ट है, ये हॉल क्यूब करना पड़ेगा। तो हॉल क्यूब करोगे 1 cm का हॉल क्यूब, तो ये 10^-2 का हॉल क्यूब माइनस 6 m³, ये करेक्ट है, ये सही है। कहीं पर भी तुमको सेंटीमीटर क्यूब दिखाई देगा ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिख देना सेंटीमीटर का हॉल क्यूब, ये सही है। मान लो एक है, आप सेंटी को लिख देंगे -2 का हॉल क्यों, 10^-2 और -6 हो जाएगा, ये सही करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो वह मैंने लिख दिया है, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातों को रिकॉल कर लो, आप वीडियो पॉज कर लो, मैं देता हूँ मौका, ले फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट कर लो पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके चलो, तो हो गया ये टॉपिक, तो चलो, तो मैंने ये टॉपिक भी #06 basic 06 भी मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करो, फायदा उठाओ पढ़ाई से और मस्ती में पढ़ाई करते रहो और अपने सपनों को पूरा करो। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है basic 06 हो गया है, basic 07 में मैं ग्रीक लेटर्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, ग्रीक लेटर कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, सबको सिखाने वाला हूँ, ग्रीक लेटर्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय।